नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पंडित, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि लहंगा का रस्सी यानी डोरी कैसे बनाया जाता है, उसमें लटकन किस तरह से लगाया जाता है, आप लोग को देखने को सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। आप लोग आइए। रस्सी मैंने 1.5 इंच चौड़ा लिए हैं और लंबा ले लिए हैं, मैंने लगभग 60 इंच। आप देखते हैं कितना उसका कमर जितना है उससे कुछ ज़्यादा रखना चाहिए बड़ा। इस तरह से हम रस्सी लहंगा की कपड़ा से ही बना रहा हूँ और आज तो मार्केट में रेडीमेड ख़रीदने को भी मिलेगा, मगर हमने वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो उसका कपड़ा में है, उससे ही आसान तरीका से आप बनाइए इसको एकदम इस तरह से। रस्सी मैंने बना लिया है, अब इसको लहंगा में इसमें हमको पार करना है कमर पट्टी में। अब देखिए इसको इस तरह से, ये पेन का रिफिल से ही हम पार कर रहा हूँ, इसी में हो जाएगा। आप देखिए ये भी तरीका देख लीजिए, बहुत बहुत सरल तरीका है। देखिए इसका जो छेद है ना, इसी छेद में हम इसको घुसा देते हैं। घुसा दिए, इसको इस तरह मोड़ दिए। मोड़ने के बाद अब इस तरह से आप ढक लिया, पार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आपका। वो सेफ्टी पिन वोटिंग कोई टेंशन नहीं लेना का, कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से आप आराम से पार कीजिए। देखिए इस तरह से हम पार कर देते हैं, बहुत इजी तरीका है, आसान तरीका है। वो कुछ भी इस तरह का छोटा सा सामान से ही हम इसको आराम से कितना जल्दी पार हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको पार कर देते हैं, ये पार हो गया। इसको हम अब घींच देते हैं। देखिए इसको हम निकाल देते हैं, मतलब कितना कितना जल्दी और कितना आसान से पार हो गया। इस तरह से आप पेटीकोट में भी इस तरह पार कर सकते हैं, अंडरपैंट में भी इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रस्सी पार हो गया। अब ये लटकन हमको लगा देना है। देखिए लटकन को कैसे लगाते हैं, ये भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए, सीख लीजिए। इसको थोड़ा सा इसके यहाँ पर पार करते हैं, जैसे पार हो गया। होने के बाद अब सुई सूता से ही हम इसको, ये पार हो गया। होने के बाद इसको इस तरह से हम इसको अब लटकन को देखिए किस तरह से लगाते हैं, पूरा फिनिशिंग के साथ आप करेगा। इतना छोटा बड़ा रखना, हाँ इतना मोड़ देते हैं। इस तरह से आप ये सूता चार धागा इस तरह से आप इधर चलाइए, इधर भी चलाइए, मोड़िए। मोड़ने के बाद इसको देखिए इस तरह से इसको अंदर कर दीजिए, ये गोल गोल की जैसा हो जाएगा। ठीक है, गोल होने के बाद इस तरह से इसको सूता से इसको इस तरह से समेट दीजिए, इस तरह से गोल पूरा, ये क्या होगा, गोल हो जाएगा और बहुत अच्छा दिखे, यहाँ पर भी दिखाई देगा। इस तरह से आप इसको इस तरह से सूता को लपेट दीजिए, इस तरह से घुमा घुमा करके एकदम पूरा फर्स्ट क्लास। और इसका जो पुचरा पुचड़ी जितना है ना, सब इस तरह अंदर चला जाएगा। इस तरह से पूरा समेट दीजिए। समेट देने के बाद यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे गीट लगा दीजिए, ऐसे हम इसको टाक देते हैं। बस ये 2-3 बार टाक दीजिए ताकि खुलेगा नहीं, ये हो गया। अब इसको हम काट देते हैं। अब देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गया। इसी तरह से हम दोनों तरफ, दोनों किनारे तरफ, दोनों छोर तरफ हम ये कर देंगे, ये लगा देंगे। बस ये हो गया, दोनों हम लटकन लगा दिए इसी तरह से, एकदम बहुत टॉप दिखाई भी देता है। ठीक है, यहाँ कमर है, इतना कमर से इतना आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ जैसे वैसे समेट कर गिट मारेगा इतना तक, मैंने कम से कम इतना आपका ये होना चाहिए, मैंने नीचे तरफ, तब देखने में खूबसूरत रहता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और आपका समय मिला तो मेरा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा मैंने लिंक दे चुके हैं, उसमें भी जाकर के आप लोग देखिए, सीखिए। और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरा अबाउट में दिया हुआ है, आप कुछ यदि सवाल करना है, कुछ यदि जानकारी लेना है तो वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।